बिहार के जिला वैशाली के हाजीपुर में कृष्ण जन्माष्टमी पर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से यदुवंशी सेना के शोभा यात्रा में 101 घोड़े व हाथी के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शहर में दर्जनों शोभा यात्रा झांकी निकाली गई, अन्य संगठनों ने भी शोभा यात्रा निकाली। शहर में पुलिस की तैनाती रही, जिसमें नगर थाना अध्यक्ष अस्मित कुमार खुद मुस्तैद थे। शहर में कई जगह शोभा यात्रा के स्वागत के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए थे। नगर में अनवरपुर चौक पर सद्भाव व भाईचारे की मिसाल देखने को मिली, जहां मुस्लिम समुदाय की तरफ से समाज सेवी मोहम्मद बबलू के नेतृत्व में दर्जनों मुस्लिम युवकों ने शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को शरबत पिलाते नजर आए। वहीं अनवरपुर चौक मंदिर द्वार पर हिंदू पुत्र के संरक्षक राजीव ब्रह्म ऋषि के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष रंजन सिंह, जिला प्रवक्ता रणबीर प्रवीण ने शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं राजेंद्र चौक युवा कांग्रेस के चंदन राय की तरफ से मोहब्बत की दुकान खोली गई, जिसमें शरबत और पानी बिस्किट बांटे गए। शोभा यात्रा में वैशाली महिला कॉलेज के पास यदुवंशी सेना की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यदुवंशी सेना के शोभा यात्रा में जिलाध्यक्ष मुंटुन राय, प्रदेश महासचिव रोनित यादव, टोनी राय समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।